ये गाइस हम बना रहे हैं सांबर चावल, और सांबर के लिए भी आप देख सकते हो ये सब्जियां हैं। सब्जियां मतलब तीन चार टाइप की, आप आपकी जो मनपसंद है वो सब्जियां डाल सकती हो। मैंने प्याज, ये हमारा हो गया दिया, साथ में ये हो गई बीन्स, और ये कैरेट का तड़का लगाया है। साथ में दाल रखी हुई है मैंने, ये अरहर की दाल है जिसका सांबर बनता है। और देखो टेस्टी चीज़ घर पर ही बनती है, प्रोवाइडेड कि आप प्रॉपर इंग्रेडिएंट एंड राइट स्पाइसेस यूज करो। इसमें जो पड़ता है ये सांभर मसाला है, फ्रेश सांभर मसाला। इसमें एक ही पैकेट निकलता है, 10 रुपीज़ का ही आता है, पूरा ही डालना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि मसाले पूरे डालो, इसमें डेफिनेटली टेस्ट आएगा चीज़ में। साथ में हम बनाएंगे चावल और इडली, और साथ में वाइट चटनी, कोकोनट चटनी, वो उसकी भी सारी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी। दाल को सीटी लगा के मैंने भुना है, मतलब पकाया है, तो एक विसल में ही हो जाती है। उसके बाद एक विसल के बाद सिम कर लो, आपने पानी उतना ही डालना जितनी दाल है। तो उसके बाद एक विसल के बाद सिम कर दो, बंद कर दो उसके बाद थोड़ी देर में, और अपने आप ही दाल जो है स्टीम के साथ गलेगी। उसके बाद आपने विस्क, हमारे सभी के घर में होती है ऐसी विस्क, इसकी हेल्प से आपने ऐसे मैश कर लिया, साथ में तड़का देखो भूनना है, ऐसे करके मैश कर लो दाल को पूरी को। मैश करके उसके बाद हमने इसी में जितने भी बाकी स्पाइसेस है वो डालने हैं। देखो अच्छी तरह मैंने दाल को और मैश किया है, दाल जितनी मैश होगी उतना टेस्ट आपको सांभर में अच्छा आएगा। ऑन द अदर हैंड मैंने जो इंग्रेडिएंट स्पाइसेस टाइप रेडी की है, ये कश्मीरी रेड चिल्ली है, टर्मरिक, ये कोर्सली ग्राउंड रेड चिल्ली है, ये गरम मसाला, जो कि एक अच्छा यूनिक टेस्ट देता है, फ्लेवर देता है हर डिश में। हर डिश में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे कुछ भी बनाओ। और ये हमारा जो है एवरेज सांभर मसाला, जो आप यूज़ कर सकते हो उसमें सांभर मसाला में, तभी टेस्ट आता है। देखो मसाले इंग्रेडिएंट घर में अच्छा यूज़ करो तो डेफिनेटली आपका बाजार जैसा बनेगा। कि मैं पूरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा मेथी भी डालूँगी ताकि जो टेस्ट हर चीज़ में अच्छी तरह इम्बाइब हो जाए। बाकी ये पूरी प्लेट ही ऐसे डाल दूँगी। घर में कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई करते रहना चाहिए, इससे ये है कि एक हमारी पॉजिटिविटी आती है और एक नई नई चीज़ें हम सीखते रहते हैं। नई नई चीज़ें लाइफ में सीखना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कीप अवर सेल्फ एंगेज्ड इन डेली रूटीन। ये एक हमारा एक ऐसा बन गया है, बस अब इसमें पानी डालो, थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें मिक्स कर दो, और मिक्स करेंगे तो हमारा सांभर मसाला सांभर जो रेडी है। बस एक विसल मरवाओ एंड दैट्स इट। इसमें सब्जियों को हमने बिल्कुल भी नहीं पकाना, जस्ट कोर्सली ग्राउंड ही रखना है, जैसी सब्जियां हैं वैसी उसमें क्रंच ही रखना है पूरा। ये मैं दे पापा सेकूंगी ना तवे पे, ते जे सेकण ना कोई चीज बाहर आंदी नहीं, बाहर मैं कोई किसी आंदा अच्छा भैया ने ठीक है। अति लाइट थोड़ी चल रही है, इन बंद कर दे या चलती रहे सांभर। यू कैन सी हमारी सब्जियां ऐसी हो गई हैं, रेडी हो गई हैं बिल्कुल। इसमें प्रॉपर क्रंच है, अभी गली नहीं है, सब्जियां ऐसी डालनी है सेम। आप अच्छी तरह गुलाम मत देना, इससे ये है कि सांभर आपका टेस्टी नहीं बनेगा ज़्यादा। इसमें मैंने और पानी मिक्स करके थोड़ा सा इसे डाइल्यूट किया है विद वाटर, ये देखो ऐसी कंसिस्टेंसी है। अब हम ये वाला मिक्सचर इसमें डालेंगे, ना कि ये इसमें डालेंगे। कौन सा मिक्सचर? ये वाला मिक्सचर इसमें डालेंगे। सो लेट्स ऐड। तो क्या अच्छा सा फ्लेवर टेस्ट आया, मैं एक बार आपको ये शेक करके बता देती हूँ। यू कैन सी क्या मार्केट जैसा बन के सांभर रेडी होगा कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। और दूसरी ये चीज़ है कि घर में देखो बनती है चीज़ तो बिल्कुल फ्रेश बनती है, और कोई मतलब सफाई से बनती है ये चीज़ है। घर में भी प्रॉपर वैसा ही टेस्ट आता है, बल्कि अच्छा है, बढ़िया ही आता है बाजार से। बाजार में तो क्या होता है ना कि उन्होंने बल्क में बनाना होता तो कई बार हमें नहीं भी टेस्टी लगता, तो घर में तो टेस्टी बनेगा थोड़ा सा। और ये आधे घंटे में बनने वाली डिशेज, आपके चावल भी रेडी हो जाते हैं, ये तो आपको पता है 5-10 मिनट में चावल रेडी, और 10-15 मिनट में सांभर रेडी, दैट्स इट, आधे घंटे की डिश हो गई। साथ साथ इसमें मैंने एक दो मिर्ची ऐड की है, दो मिर्चीज ऐड की हैं। ये अपना अपना फ्लेवर है, टेस्ट है, जिसको जितना अगर स्पाइस पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो। और जो ग्राउंड रेड चिल्ली वो आपने देखी थी कितनी ऐड की, प्लस साथ में हमने कश्मीरी रेड चिल्ली भी ऐड की है। बस सांभर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इमली होती है, जो कि हम वाटर में डिप करके थोड़ी सी थोड़ा सा पानी डालते हैं, साथ में इमली लेके थोड़ा सा इसे इनके रेशों के खुलने तक इसे बॉयल करेंगे ताकि प्रॉपरली अपना सारा फ्लेवर पानी में छोड़ दे। और यही पानी हम यूज़ करेंगे फिल्टर करके सांभर में।
देखो जो हम मार्केट में चटनी खाते हैं उसकी नारियल की, वो हमें बहुत टेस्टी लगती है। हम बार बार लेते हैं चटनी, क्यों लेते हैं? बिकॉज उससे टेस्ट ही इनहांस हो जाता है। तो घर में हम चाहे चावल बनाए चाहे इडली भी बनेगी अभी, तो मतलब देखो इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है एक डिश में ना, मतलब चाहे चावलों के साथ आप खा रहे हो जैसे मर्जी खा रहे हो। तो मैंने नारियल की चटनी बनाने के लिए, देखो ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें कुछ भी हिडन नहीं है एंड आपकी चटनी बन के बहुत अच्छी रेडी होगी। एक चिली ली है हमने, ग्राउंड नट्स लिए, ये मैंने थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, और 2 टेबलस्पून मैंने कर्ड लिया है जो कि घर में बनाते हैं, और ये कोकोनट्स हैं जो फ्रेश कोकोनट हमें मिलता है वो काट के बनाते हैं, ठीक है। और ये हमारा जिंजर है जिसे अदरक कहते हैं, और कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, धनिया, ठीक है। ये सारा हम इस मिक्सी में डाल के सारा कूट लेंगे, और थोड़ा सा पानी हम डालेंगे इफ नीडेड। बाकी रहा टेस्ट की बात, तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक। देखो नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी हम कम रखते हैं चीनी से, ताकि इसमें थोड़ा मीठा मीठा फ्लेवर आए, क्योंकि ये जो है फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है उसमें चटनी में। तो इसलिए आप अगर चटनी के अकॉर्डिंग जितनी वो डालोगे, जितना नमक डालोगे उससे डबल आपने चीनी डालनी है। अगर 1.5 टीस्पून आपने नमक डाला तो 1 टीस्पून आपने चीनी डालनी है, ऐसे एज इट इज। ये भी कर लेते हैं, ये भी डाल दिया मैंने, दिस एज वेल। देखो मेरे, डोंट माइंड मेरे हाथ धुले हुए हैं अच्छी तरह से, इन चीज़ों को लेकर मैं बड़ी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके फिर ही कुकिंग करें। इवन मैं तो मतलब नहाने से पहले मतलब एंटर भी नहीं करती किचन में, हमेशा नहाने के बाद ही किचन में एंटर करती हूँ। तो ऐसे करके हमने एक मिक्सचर बना लिया, अभी इसे ग्राइंड करेंगे और मैं आपको टेक्सचर दिखाऊंगी इसका। अभी मैं इसको नमक और चीनी ऐड करने लगी, और ऑलरेडी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है जितना नमक, अगर तो आपने मीठी रखनी चटनी तो आप डबल क्वांटिटी जैसे 1 टीस्पून इसका डालो आप शुगर का, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। एंटरटेनमेंट हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है। ये देखो लड़कियां खेल रही हैं इसके साथ, स्नेक के साथ। तो स्नेक दिखाओ, काया को डराओ। तो ऐसे ही खेलती रहती हैं आपस में। क्या टेस्ट आया, आई हैव टेस्टेड दैट। मार्केट से भी आपकी अच्छी चटनी बनेगी गारंटी के साथ। अगर नहीं बनेगी तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और जिसकी ऐसी बन गई अच्छी चटनी अच्छे टेस्ट के साथ तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना, जरूर ट्राई करें। ये डिश 100% ऑथेंटिक है, एंड चटनी इसमें जो बन के आएगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिलीशियस सम्प्टुअस डिलीशियस होगी। तो गाइस एवरीथिंग इज़ रेडी, सांभर इज़ बॉइलिंग लाइक एनीथिंग एल्स। तो ये देखो सांभर है, इसमें सब सब्जियाँ ऐसे की ऐसे ही है जैसे कि हमने कच्ची डाली हो, तो ये ऐसी रहनी चाहिए, बिकॉज अगर घुल गई तो फिर सांभर ही किस चीज़ का है ना। तो ये सांभर है, ये दिखा दिया आपको, ये हमारी है वाइट चटनी बनके रेडी हो गई, बहुत ही अच्छी है। इसका मीठा मीठा फ्लेवर बहुत ही टच करता है माइंड को। और ये हमारे चावल देखो, एक एक दाना बने हैं, तो ये आधे घंटे और ये लगा लो 15-20 मिनट में पूरी फैमिली 10-12 फैमिली मेम्बर्स का लंच रेडी हो गया है। और ये हमारी इमली, मम्मा ने बोला कि अभी रहने दो, कि अगर थोड़ा मुझे लगेगा टेस्ट इसका खट्टा नहीं है तो मैं और डालूंगी। तो ये देखो जितना बॉयल होगा उतना अच्छा रहेगा, तो थोड़ा सा उसे और बॉयल होने देते, सिम पे कर दिया गैस, अपने आप बॉयल होता रहेगा। तो ये मैंने टेस्ट के लिए लिया था, सांभर इज जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स, बहुत ही अच्छा बना है। आप भी ऐसे बना सकते हो, और मुझे कमेंट में बताओ कि किस किसने ट्राई किया और किसका टेस्टी बना किसका नहीं बना।